तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। एंड इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर मोर अबाउट सेंटर ऑफ मास मीन्स सेंट्रॉइड। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो आज हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर कुछ रोजमर्रा में आने वाले कॉमन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे और उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये हम लोग देखें। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज करेंगे और उसको हम देखेंगे कि जनरल जो ज्योमेट्री जो हमारे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कह लो जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में देखते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक सर्किल विदाउट थिकनेस, एक सर्कुलर प्लेन कह लो, एक सर्कुलर प्लेन ऑब्जेक्ट है, जैसे बहुत पतला कागज का बना हुआ ये सर्कुलर पेज, ठीक है। बिल्कुल 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 थिन, यानी थिकनेस इज जीरो, ऐसा समझो, जैसे बहुत पतली रोटी। तो ये जो सर्किल है ये एक्स एक्सिस के भी देखो सिमेट्रिक है, बिल्कुल आधा आधा उस तरफ आधा इस तरफ। और अगर आप देखो वाई एक्सिस तो ये वाई एक्सिस के भी पूरा सिमेट्रिक होता है, आधा सर्किल इस तरफ आधा सर्किल उस तरफ, सर्कुलर प्लेन कह लो। तो जो इस यानी ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा या जो सेंट्रॉइड होगा या सेंटर ऑफ एरिया होगा वो बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। इसी तरह एक सर्कुलर रिंग, मतलब रोटेट नुमा नहीं है, एक समझ लो एक वायर का बना हुआ रिंग, ये सर्कुलर रिंग है। एक सर्कुलर रिंग है जिसके बीच का स्पेस में कोई मास नहीं है, जिसके बीच के स्पेस में कोई मास नहीं है, मास बस किनारे किनारे ऐसे है, वायर से बना हुआ या रस्सी से बना हुआ एक सर्किल है। तो ये भी देखो एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के इस ओर जितने जैसे है वैसा बिल्कुल इस ओर है। और सिमिलरली अगर आप केवल वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दें तो वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी इस सर्किल के सेंटर पर होगा। अगर सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर इस पूरे सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा। ये बात अलग है कि यहाँ पर कोई मास रियल में है नहीं कर देखो, लेकिन ये पॉइंट इस तरह बिहेव करेगा जैसे ये पूरा जो रिंग है ये सारा मास यहां पर काम कर रहा है। अब एक सॉलिड डिस्क ले लो, सॉलिड सर्कुलर डिस्क, सॉलिड सर्कुलर डिस्क मतलब ये गोल गोल डिस्क है। और अगर देखो तो इसकी कुछ मोटाई भी है, मतलब इसकी थिकनेस भी है, और इसकी थिकनेस मान लो टी। अगर आप इसको साइड से देखो तो आपको ये ऐसे टी थिकनेस की डिस्क है, ऐसे समझो।
यानी सॉलिड सर्कुलर डिस्क। ठीक है, इसको कैसे करो डिफाइन करोगे इसका सेंटर ऑफ मास? तो देखो पहले सर्कुलर डिस्क का ऊपर का सेक्शन देखोगे तो बिल्कुल सर्कुलर ऐसे दिखेगा, सॉलिड सर्कुलर बिल्कुल एक प्लेन की तरह। तो ये जो प्लेन है वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक है, तो यानी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से जाने वाली एक्सिस पर होना चाहिए बिल्कुल ऐसे। अगर और चूंकि वो मोटी भी है तो उसकी थिकनेस की डिस्क मोटी भी है तो इस ऐसे होगा, और ये डिस्क अगर आप देखोगे तो जो सेंटर है ना ये सर्कुलर फेस का, इससे गुजरने वाली जो एक्सिस होगी वही सिमेट्रिक एक्सिस है, यानी सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो इस डिस्क की जो मोटाई है उसकी हाफ पॉइंट तक, यानी अगर ऐसे देखो तो इस पॉइंट पर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। मतलब सॉलिड सर्कुलर जो डिस्क है आप अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ये सर्किल दिखेगी, तो यानी और सर्किल का जो सेंटर होता है सॉलिड सर्कुलर प्लेन, मतलब अगर आप सर्कुलर प्लेन देखो तो सिमेट्रिक एक्सिस ये है, तो यानी सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर लाई करना चाहिए। डिस्क के थिकनेस में आप घुसोगे और आधी थिकनेस तक जब पहुंच जाओगे तो वहां पर होगा उस सॉलिड सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूं, इसी डिस्क को आप ऐसे थोड़ा झुका के देखोगे ना ऐसे, तो थोड़ा मोटी मोटी डिस्क दिखेगी और उसकी थिकनेस के हाफ गहराई में। समझ में आया? इसी सॉलिड सर्कुलर डिस्क को, जो सॉलिड सर्कुलर डिस्क है इसको, डिस्क को अगर आप और थोड़ा लंबाई दे दो तो वो बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसे, सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है कि कई डिस्क हैं, मतलब एक डिस्क जिसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही है, एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क जिसकी लंबाई ज्यादा कर दो तो वो सिलेंडर बन जाता है, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो तो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर फेस का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है बिल्कुल सेंटर पे होती है, यानी इस सॉलिड सर्कुलर, सॉलिड जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है उसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो तो ये होगी। ठीक है, अब इस सिलेंडर की थिकनेस तो मान लो है टोटल एल, तो मिडिल पर एक्स, मतलब सर्कुलर फेस के सेंटर से जाने वाली एक्सिस, बिल्कुल सर्कुलर फेस के बिल्कुल सेंटर से जाने वाली एक्सिस कहां तक जाए, जब वो आधी दूरी तक आप पहुंचोगे यानी एल बाई टू डिस्टेंस तक, तो वो उस जगह बिल्कुल मिडिल में होगा सेंटर ऑफ मास। इसको सी वन, सी डैश, इसको सी डबल डैश, ये हो गया पूरे सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो उसका सेंटर ऑफ मास वहां पर। ये कुछ कॉमन ज्योमेट्रीज हैं। सिमिलरली हॉलो सिलेंडर, मतलब खोखला सिलेंडर, खोखला सिलेंडर मतलब केवल सरफेस पर मटेरियल है, बीच में खाली है। तो सरफेस कैसा काम करेगा? सरफेस देखो,
सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन है ये बिल्कुल रिंग की तरह दिखेगा, रिंग की तरह, क्योंकि बीच में खाली है, ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में मटेरियल जो है वो सरफेस पर है, यानी बीच में कुछ नहीं मटेरियल है। तो जब आप इधर से देखोगे उसका सेक्शन देखोगे तो सेक्शन आपको एक रिंग जैसा दिखेगा, क्योंकि बीच में मटेरियल नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो हॉलो सिलेंडर है। तो रिंग की जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है वो भी सेंटर में होती है, रिंग की भी जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है वो भी सेंटर में होती है, यानी इसका भी सेंटर ऑफ मास इसी क्रॉस सेक्शन के सेंटर से जाने वाली लाइन पर होगा, यही इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है वो आप समझ सकते हो बहुत सी ऐसी ही रिंग से मिलके बना हुआ है, जैसे सॉलिड सिलेंडर कई सॉलिड डिस्क से को अगर आप जोड़ दो, किसी बहुत से सॉलिड डिस्क जिनके रेडियस सेम है उनको जोड़ दो तो वो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। उसी तरह अगर रिंग 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 सेम रेडियस की रिंग आपस में जोड़ते जाओ तो वो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो इस एक्सिस पर और मिडिल पॉइंट पर, यानी अगर पूरे सिलेंडर की लंबाई L है तो L by 2 डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल मिडिल में होगा इस हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? ठीक है, और फिर हम आते हैं ट्रायंगल पर। ये देखो ये एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड यानी सेंटर ऑफ एरिया कहां पर होगा? तो क्या करो कि हर साइड का मिडिल पॉइंट निकाल लो, जैसे ये साइड है इसका मिडिल पॉइंट ये मान लो हुआ, इस लाइन का मतलब इस साइड का मिडिल पॉइंट ये हुआ और इस साइड का मिडिल पॉइंट ये हुआ। तो अपोजिट कॉर्नर से या है ना इसको मिलाओ, इस लाइन के मिडिल पॉइंट को अपोजिट कॉर्नर से ऐसे मिलाओ तो इसको बोलते हैं मिडीरियन। मिडीरियन हिंदी में उसको बोलते हैं माध्यिका। सिमिलरली इस साइड के मिडिल पॉइंट से, इस साइड के ये जो साइड है ना इसका मिडिल पॉइंट से अपोजिट कॉर्नर मिला दो, ये देखो। और इसको अगर इस साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाओगे तो ये भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये तीनों जहां पर मिलती हैं लाइनें, यानी तीनों मिडीरियन जहां पर मिलती हैं वो होता है इस पूरे ट्रायंगल शेप का सेंटर यानी सेंट्रोइड। अगर ये एरिया है पतला सा, मतलब इसकी कोई थिकनेस नहीं है इस शेप की, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एरिया। अगर ये है ए बी, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। तो अगर ये ए बी है तो ए सी डिवाइडेड बाई सी बी हमेशा होता है 2:1, यानी ये जो सेंट्रोइड है ये मिडीरियन को कॉर्नर की ओर 2 पार्ट्स में और बॉट और बेस की ओर 1 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली अगर इसका आप नाम कुछ दे दो ई और इसका दे दो एफ, तो एफ सी डिवाइडेड बाय सी और इसका नाम दे दो अगर सी जी, तो सी जी ये भी होगा 2:1, और अगर इसका नाम आप एच दे दो तो सी ई यानी ई से सी की डिस्टेंस और फिर सी से एच की डिस्टेंस, इसका रेशियो भी होगा 2:1। ये होता है ट्राइंगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास ऑफ एरिया। अगर ये जो ट्राइंगुलर शेप है
ये बिल्कुल प्लेन कागज की तरह नहीं है, मान लो इसमें कुछ थिकनेस भी है, कुछ थिकनेस भी है, टी थिकनेस है, मान लो एक लैमिना है, एक पटल, एक पाटी, एक मोटा लकड़ी का मोटा सेब जिसकी थिकनेस भी है, ये पूरा जो ट्राइंगल है बिल्कुल ऐसा थिकनेस है उसमें। तो इसी पॉइंट पर, इसी सी पॉइंट पर आप उसकी थिकनेस की ओर घुसेंगे, कहां तक, टी बाई टू यानी आधी मोटाई तक, आधी थिकनेस तक, तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पूरे उस मोटे ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। उतने में जो मास होगा पूरे जो उस मोटे ट्राइंगुलर जो लेमिना है यानी जो ये मोटा सा लकड़ी का मान लो एक पतीला टाइप का है, तो पहले उसके शेप पर, ट्राइंगुलर शेप पर पहले ये पॉइंट नोन करो, फिर उसको टी बाई टू डिस्टेंस तक अंदर डेप्थ में ले जाओ, थिकनेस की आधी दूरी तक, तो आपको वहां पर मिलेगा इस पूरे ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सब। सिमिलरली आप एक स्क्वायर लो, यह है एक स्क्वायर, और आप एक रेक्टेंगल ले लो, तो यह है रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं? अभी तो ये मान लो इसमें कोई थिकनेस नहीं है, तो सेंटर ऑफ एरिया यानी सेंट्रोइड निकालेंगे। तो क्या करो कि ये एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स मिलाओ यानी अपोजिट जो विकर्ण होते हैं उनको मिलाओ, और ये जहां पर कट करेंगे तो वो पॉइंट होता है इस पूरे शेप का सेंट्रोइड यानी ये है सेंट्रोइड। और अगर ये जो प्लेन है इसमें कुछ थिकनेस है, मान लो ये मोटा स्क्वायर, मोटा एक स्क्वायर शेप का लकड़ी का एक गत्ता है, एक पटीला है या लेमिना है, तो उसकी थिकनेस की आधी डिस्टेंस तक आपको अंदर घुसना होगा, बिल्कुल जैसे यहां घुसे थे, जैसे यहां हम बता रहे थे। और सिमिलरली ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो भी आप जब इसके डायगोनल्स मिलाओगे तो वो दोनों जहां पर कट करेंगे वही पॉइंट होता है उस रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रोइड। और अगर उस रेक्टेंगुलर शेप में कुछ मोटाई है, थिकनेस है, या मान लो ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ एक मोटा सा पटीला है, तो इसी सेंट्रोइड पॉइंट से आपको आधी थिकनेस तक अंदर जाना होगा, तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो है उस मोटे रेक्टेंगुलर थिकनेस का सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक आपको कुछ ये कॉमन ज्योमेट्री के सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं ये आपको पता चल गया है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर अब हम कुछ चीजें देखेंगे जिनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।